हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉकटेक SM और आज हमने मंगाया है flipkart.com से ये Egate का i9 प्रोजेक्टर। ये जो मॉडल है ये अपग्रेडेड मॉडल है, मीराकास्ट है इसमें, यानी कि वायरलेसली हम फ़ोन से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा महंगा है, लेकिन Egate 9 आपको 6000 के आसपास में मिल जाता है। देखते हैं मीराकास्ट में क्या स्पेशल है और चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको। तो इसको करते हैं साइड और ये है पूरा का पूरा पैकेट जो कि आया है Egate की तरफ से। और सबसे पहले अगर बात करें तो ये अक्टूबर 2018 में मैन्युफैक्चर हुआ है। MRP 9,990 रुपये है। Egate i9M मॉडल है और बता दूं आपको कि गाज़ियाबाद में इसका ऑफिस है, जहां से कि चाइना से इसको इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन एक साल की वारंटी कंपनी देगी ऐसा क्लेम करती है। उम्मीद करते हैं कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी अच्छे से पैक किया कंपनी ने इसे और क्या क्या मिलता है इसके अंदर वो हम आपको दिखाते हैं। ये है Egate इंडिया वारंटी सर्टिफिकेट, ये अभी ब्लैंक है और एक साल का जो वारंटी है वो कंपनी देगी इस पर। फॉर सपोर्ट का कस्टमर केयर का नंबर भी उन्होंने दिया है और मेल आईडी भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चाइना से इम्पोर्ट किया गया प्रोजेक्टर और चाइना के सामान पर ज़्यादा भरोसा तो कर नहीं सकते हैं, बट अब एक साल वारंटी है और कुछ भी नहीं तो कुछ तो उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखते हैं अंदर क्या है ये। अरे वाह, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन ये मुझे बॉक्स में मिला है। और ये है HDMI केबल जो कि आपको नहीं मिलता है Egate i9 के साथ। ये i9M है इसलिए मुझे ये मिला है। अब मिलता है मुझे एक रिमोट, ये प्लास्टिक का रिमोट है, काफ़ी हल्का है। इसमें बैटरी कंपनी ने दी नहीं, नहीं 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 बैटरी नहीं दी है। अब मिलता है मुझे एक पावर कोड, ये भी ठीक ठाक क्वालिटी का लग रहा है। अब आता है सबसे ज़रूरी सामान, ये है प्रोजेक्टर। ओ थोड़ा भारी है, काफ़ी वज़न है इसमें, जैसा मैं सोच रहा था उससे तो भारी ही है। तो ये है प्रोजेक्टर। अब आप देखिए सामने से कैप लगा हुआ है इसमें, अभी थोड़ी देर के लिए मैं निकाल देता हूँ फिर मैं लगा दूँगा, उसके बाद जब इसका पूरा रिव्यू करेंगे तो बात करेंगे उस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अगला वीडियो जो होगा ये या बोलिए इसी वीडियो में मैं पूरा रिव्यू डालूँगा इसको ऑन करके भी। अभी तो फ़िलहाल अनबॉक्स किया है। क्या क्या मिलता है देखिए, इसमें एक USB पोर्ट है, दूसरा USB पोर्ट है, जो ये पहला USB पोर्ट है ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम, कोई भी मतलब पेन ड्राइव लगाकर वीडियो डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। और ये जो आउटपुट है ये सेकंड पेन ड्राइव जो है इसमें आपको सिर्फ चार्ज कर सकते हैं आप अपने फ़ोन को, इससे कोई डेटा ट्रांसफ़र या कोई और मदद नहीं होगी। एक HDMI आउट है, ऑडियो इन है, एक हेडफोन का जैक है, ये है VGA पोर्ट जिससे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, बट अब ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते HDMI के आने के बाद से। ये पीछे इसका रिमोट का सेंसर है, ये पीछे शायद कूलिंग का फ़ैन भी है और इस साइड में पावर कोड, ये लेंस, सीरियल नंबर। अब इसका रिव्यू करेंगे तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगला वीडियो जो होगा वो प्रोजेक्टर की क्वालिटी के ऊपर होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। तो ये है प्रोजेक्टर और ये देखिए अभी मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है स्क्रीन पर, ये देखिए ये इसकी स्क्रीन है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो
बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं कह सकते हैं इसको। ये मेरा कास्ट वाला जो मेरा मॉडल है, इसमें अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये मिरर का ऑप्शन आता है एक, दूसरा इसमें एक वायर है कोई इजेड वायर करके, यानी कि जो आपका आरसीए केबल्स होता है वीडियो के लिए, जो कि पुराने डीवीडी बॉक्सेस में होते थे वो। तीसरा होता है आपका एचडीएमआई, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो होना ही चाहिए। चौथा है वीजीए, जिसमें कि साउंड नहीं होगा बट विजुअल्स होंगे, साउंड के लिए आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये है मीडिया, यानी कि पेन ड्राइव लगा कर आप कोई गाना बजा सकते हैं। ये है डीसी कास्ट और उसके बाद ये जिमर। अब बात करते हैं इसके वीडियो क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस मैं इस पर दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको उनको देख करके। तो ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो गया है मोबाइल, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का स्क्रीन दिखेगा इस पर। हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके प्रॉब्लम्स की, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद ही बताऊँगा। कॉपीराइट इश्यूज़ के कारण मैं अपने ही चैनल का एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए क्या इसके साथ प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हैं। आपने इसमें देखा कि क्या दिख रहा है स्क्रीन पर। अब मैं आपको ओरिजिनल फुटेज इसका दिखाता हूँ जो मैंने मोबाइल पर चल रहा है अभी। ये देखिए, ये 480p में चल रहा है अभी, और फिर आप यहाँ देखिए, तो आप देखेंगे कि ब्लर हो रहा है। रॉकटेक SSM और सब्सक्राइब जो है वो, या ऊपर का पोर्शन हो, अगर ऊपर आप ठीक करेंगे तो नीचे का पोर्शन ब्लर हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ वो ये है कि इसका जो ब्राइटनेस है वो उतना अच्छा नहीं है। अब आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक सजेशन है मेरा आपके लिए, कि अगर आप 60 इंचेस या 75 इंचेस तक ही देखना चाहते हैं तब तो ठीक है। मेरे घर पे 45 इंच के आसपास का एक टीवी है, तो मुझे, मैंने इस प्रोजेक्टर को इसलिए लिया था ताकि मैं 120 इंच या 100 इंच के आसपास में प्रोजेक्ट कर सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये रिक्वायरमेंट था वो पूरा नहीं हुआ और मुझे इस प्रोजेक्टर को वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था इस प्रोजेक्टर से रिलेटेड एक रिव्यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और बेल आइकन को दबाइए। और कोई भी सवाल आपके दिमाग में इस प्रोजेक्टर से रिलेटेड है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और कंक्लूड करूँ मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आप 60 इंचेस या 75 इंचेस तक इस प्रोजेक्टर को यूज़ करना चाहते हैं तो ही ये ठीक ठाक होगा। ठीक ठाक बोलने का मतलब यही होगा कि उतना अच्छा नहीं होगा बट काम चलने लायक ठीक होगा। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो आपके लिए प्रोजेक्टर नहीं है, आप इसे ना खरीदें, सिवाय पैसे की बर्बादी और आपका दिमाग ख़राब होने के अलावा कुछ नहीं होगा। थैंक यू।